अगर आप किसी भी दो वेक्टर को ऐड करना चाहते हो, तो हमने एडिशन ऑफ वेक्टर में सीखा कि आपको कोई भी लॉ यूज़ करना पड़ेगा, ट्राइंगल या पैलोग्राम लॉ, जिसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, उस रिजल्टेंट के फॉर्मूले को यूज़ करके आपका आंसर आता है। अब मुझे दो वेक्टर को ऐड नहीं करना, मेरे को दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है। अगर मुझे दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, तो उस केस में सब्ट्रैक्शन के कोई लॉज नहीं है वेक्टर्स में, लॉ ही एग्जिस्ट नहीं करता सब्ट्रैक्शन का। आप अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे फिर से एडिशन में, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पूछ रहे हैं, पर सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन एडिशन में कैसे कन्वर्ट होता है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की जगह लिख दे ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। देखो, अब आप एडिशन ऑफ टू वेक्टर कर रहे हैं, पहला वेक्टर ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर नहीं है, माइनस बी वेक्टर है, क्योंकि एडिशन के लॉज तो ऑलरेडी आपको आते हैं। तो एडिशन की हेल्प से ही सब्ट्रैक्शन का आंसर निकल आएगा। कैसे दिखाता हूँ, जैसे अगर सपोज करो आपको मैं बोलता हूँ ये ए वेक्टर है कि बी वेक्टर, ये थीटा है, आप प्लीज कैलकुलेट करें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो आप क्या करेंगे, इसके पैरेलल ये, इसके पैरेलल ये बनाएंगे रिजल्टेंट और बोलेंगे रिजल्टेंट आ गया सर कितना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और मैं बोलूंगा आर की वैल्यू कितनी है, आप बोलेंगे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, आपने ये प्रूफ किया हुआ है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट इसमें? लेकिन आपको एडिशन नहीं बोला, आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर नहीं बोला, आपको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बोला है। तो एक स्टूडेंट ने कहा सर यहां पर तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दिया हुआ है, माइनस बी वेक्टर कहां है? तो अगर नहीं है तो बना लो। माइनस बी वेक्टर कैसे बनेगा, इस बी वेक्टर के उल्टा एक वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ कर लें, क्योंकि नेगेटिव वेक्टर कैसे बनता है, इसका उल्टा वेक्टर, ये माइनस बी वेक्टर है, तो अगर ये बी वेक्टर है तो ये माइनस बी वेक्टर है। कोई डाउट इसमें? क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो आप इंस्टेड इसे और इसे ऐड करें, आप इसे और इसे ऐड करते हैं, और इन दो वेक्टर को ऐड करने के लिए आपको जो पैलोग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा तो नीचे करना पड़ेगा, और ये क्या माना जाएगा, इसका रिजल्टेंट जो कि ए वेक्टर प्लस माइनस बी, ऐसे बनेगा। तो आपने कुछ नहीं किया, आपको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर गिवन था, तो ए वेक्टर बी वेक्टर, बी वेक्टर को उल्टा ले लिया, नेगेटिव वेक्टर माइनस बी वेक्टर, फिर ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट ले लिया, कैसे, पैलोग्राम लॉ से। पैलोग्राम ऊपर नहीं बना, नीचे बनाना पड़ा, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट ये रहा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर या ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। किन दो वेक्टर को ऐड कर रहे हो यहां नीचे वाले पैलोग्राम में, ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर, तो इनके बीच में एंगल कितना है? अगर ये एंगल थीटा है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो इनके बीच में एंगल 180 माइनस थीटा। तो ये स्टेप क्लियर है? तो जो वेक्टर्स आप ऐड कर रहे हो उनके बीच में एंगल पता लग गया, तो बोलो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ए, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, बी। माइनस बी नहीं बोला, मन बोलेगा माइनस बी बोलने का, मत सुनना अपने मन की, मेरी सुन लेना, मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, बस बी ही निकले, माइनस बी मैग्नीट्यूड निकल ही नहीं सकता। ठीक, ए और बी नेगेटिव साइन तो डायरेक्शन शो कर रहे हैं, इनके बीच में एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा, तो लगाओ रिजल्टेंट का फॉर्मूला, लगाओ रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, नहीं 180 माइनस थीटा, क्योंकि दो वेक्टर ये और ये है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा, तो कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। अभी अभी करवाया मैंने, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, अभी लिखा था आपने, तो आंसर आ गया। तो जब भी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना हो, रिजल्टेंट का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा, तो आप फॉर्मूला बुकलेट में एंट्री करें, लिखें फॉर्मूला बुकलेट में, पहले लिखें ए वेक्टर, फिर लिखें बी वेक्टर और फिर लिखें थीटा। तो अगर आपको क्या कैलकुलेट करना है, आर वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, और अगर आर वेक्टर इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो आर का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। ये दो फॉर्मूलाज नोट कर लें। मतलब आज के बाद सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर अगर आ जाए, एडिशन आए तो रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर आए तो ये फॉर्मूला।
प्लस की जगह माइनस, ये नोट कर लें, ये सीधा फॉर्मूले में यूज करेंगे। कोई ऐसा डायग्राम नहीं ड्रॉ करेंगे, कोई ये थ्योरी नहीं आएगी, बस सीधा रिजल्टेंट का फॉर्मूला आता है आंसर। कोई बनवा के नहीं देखेगा पेपर में ये कैसे आया, कोई देखेगा, बस पूछेगा आर का फॉर्मूला लिखो क्या, ये आर का फॉर्मूला। वो तो मैं आप समझाने के लिए आपको समझा रहा हूँ कि कैसे बना इसमें, ठीक है यहाँ तक। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो देखो, अब कोई कहता है एक काम करो, ए वेक्टर, बी वेक्टर और थीटा ले लो, इस बार ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की जगह बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर निकाल दो। तो ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर को एडिशन में कैसे लिखेंगे, बी वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर, तो इस बार ए वेक्टर का उल्टा नेगेटिव वेक्टर ले लो, एक ये वेक्टर एक बी वेक्टर, पैरेललोग्राम इन दोनों का बनेगा, इसके पैरेलल ये और ये रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, बी वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर। तो दो वेक्टर इनको ऐड कर रहे हैं, इनके बीच में एंगल फिर से क्या बनेगा, 180 माइनस थीटा। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला बोलो, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड नेगेटिव होता ही नहीं, प्लस 2ab cos ऑफ 180 माइनस थीटा, cos ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, आंसर सेम। यानी कि आप ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकाल लें या बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर निकाल लें, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा ही होगा। कोई डाउट इसमें? पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? फिर आपके मन में आएगा कि अगर ऐसे आ जाए तो माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, फिर एडिशन में कन्वर्ट कर लें, माइनस ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। अब दोनों को उल्टा कर दें, ए वेक्टर का उल्टा नेगेटिव वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर का माइनस बी वेक्टर, तो माइनस ए माइनस बी वेक्टर, इन दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो पैरेललोग्राम यहाँ बनेगा, तो माइनस ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, रिजल्टेंट का फॉर्मूला बोलें, इन दो वेक्टर में एंगल कितना है, थीटा, वर्टिकली ऑपोजिट थीटा, तो आर का फॉर्मूला बोलो क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। ध्यान से, ये माइनस नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ ए वेक्टर प्लस, तो एक्चुअल में तो अंदर क्या चल रही थी, एडिशन, और मैग्नीट्यूड नेगेटिव होता नहीं तो आर का फॉर्मूला सेम मैच करेगा, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर या बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का आंसर सेम रहेगा, जो आपने इसमें नोट किया। ये पेपर में आपसे कोई बनवा के देखेगा नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए, आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट का फॉर्मूला समझ में आ गया, सफिशिएंट है। इसके बेस पे एक शीट हम कर रहे थे असाइनमेंट में, और सब्जेक्टिव शीट 16 का एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6, जो भी हमने छोड़ा भी था, ये रहा, ये देखो हो गया सॉल्व। कैसे, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर इज आर वेक्टर, पी वेक्टर क्यू वेक्टर के बीच में एंगल नहीं गिवन, रिजल्टेंट गिवन है, रिजल्टेंट का मतलब एडिशन ऑफ पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर, तो आर का फॉर्मूला क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2pq cos थीटा। क्वेश्चन में वन क्लियर है? अब वो कह रहा है कि ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ क्यू वेक्टर, भाई देखो पहले केस में पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर का रिजल्टेंट आर वेक्टर था, तो मैंने इस फॉर्मूले को देखते हुए आंसर निकाल दिया। दूसरे केस में कह रहा है ऑन रिवर्सिंग डायरेक्शन ऑफ क्यू वेक्टर, तो पी वेक्टर क्या बन जाएगा, प्लस क्यू वेक्टर की जगह माइनस क्यू वेक्टर, तो रिजल्टेंट क्या है, एस वेक्टर, तो एस का मैग्नीट्यूड बोलो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ बोलो क्या, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा। समझ में आ गया ना, क्योंकि एक एडिशन ऑफ वेक्टर हो गया और एक सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हो गया, क्लियर है? तो सीधा शॉर्टकट लगा दिया, तो आपको फर्स्ट इक्वेशन तो पता ही है, सेकेंड इक्वेशन में सीधा एस का फॉर्मूला स्क्वेयरिंग कर दिया, पहली इक्वेशन ये थी आर की, दूसरी इक्वेशन ये थी एस की, दोनों को ऐड कर दें, कैंसल, आंसर, ये प्रूव करना है, आंसर आ गया।